नवरात्रि के मौके पर कांग्रेस द्वारा मुंबई के मलाड पूर्व मां वैष्णो देवी मंदिर में मुंबई कांग्रेस गुजराती सेल महासचिव संजय नागरेचा और समाज सेवक विक्की नागरेचा के द्वारा माता की चौकी का भव्य आयोजन किया गया। आयोजन के दौरान अनीशा गाबा, मनीषा शहरी, पूजा भानुशाली गीतकार के द्वारा भजन प्रस्तुत किए गए। इस दौरान संजय नागरेचा माता की चौकी में पूरे समय मौजूद रहे और माता की चौकी के उपरांत आरती कर इस कार्यक्रम का समापन हुआ। इस दौरान मीडिया से बातचीत में संजय नागरेचा और साथ ही उपस्थित लोगों का इस दौरान चीफ गेस्ट अनिल शर्मा जी, जनरल सेक्रेटरी एमआरसीसी सरकार सेल, अवनेश सिंह जी, वर्किंग प्रेसिडेंट यूपी सेल और महेश मलिक जी, सेक्रेटरी AICC, संदेश कोंडविलकर जी, जनरल सेक्रेटरी MRCC, आनंद जाधव जी, सेक्रेटरी MRCC, मेहुल वोरा जी, प्रेसिडेंट MRCC गुजराती सेल, नीरव बरोत, प्रेसिडेंट कांदिवली विधानसभा शिवसेना, चेतन भट्ट जी, प्रेसिडेंट NWCC गुजराती सेल, कमलेश कपासी जी, प्रेसिडेंट EMCC गुजराती सेल, जिनेश शाह जी, प्रेसिडेंट NCC गुजराती सेल, आनंद अलहाट, शाखा प्रमुख नंबर 36, परमिंदर सिंह बमरा जी, एक्स कॉरपोरेटर, पराग शाह जी, सेक्रेटरी NMCC। सारे देशवासियों को मेरी तरफ से नवरात्रि की शुभकामनाएं। और जैसे आज हमने यहाँ पे जागरण रखा है मलाड में, वार्ड नंबर 36 में मुंबई के, और इसी तरह से सारे भक्तों को माता जी की चौकी रखनी चाहिए, जागरण रखनी चाहिए। इससे क्या होता है, पीसफुल एनवायरनमेंट होता है। सबको मैं इसी तरह से बोलना चाहूँगा, कहीं ना कहीं देखा जाए तो आप लोगों को जो है मदद करते हुए नजर आते हैं। कहीं ना कहीं जो है कोई प्रॉब्लम में होता है, उन्हें सहायता जो है देते हैं। आज जो है माता जी के धाम में आए हैं, कैसा लगता है जब जो है देवी माँ के जो है चरणों में जो है। देखिए, पहले तो हमें हमारे खानदान को वरदान मिला है माता जी की कृपा से, भगवान की कृपा से, जो कि मेरा जो पिछला इतिहास है, जो मेरे दादाजी थे वो तहसीलदार थे गुजरात के अंदर, और उन्होंने मुंबई के अंदर आके गुजरात के अंदर तो उन्होंने काफ़ी हॉस्पिटल्स बनाए हैं और काफ़ी मंदिर है, हॉस्पिटल्स, और काफ़ी पब्लिक की सेवा की है मुंबई के अंदर, कुलाबा जैसे बड़े सिटी के अंदर। वहाँ पे उन्होंने म्युनिसिपैलिटी स्कूल गरीब बच्चों के लिए पढ़ने के लिए भी बना चुके हैं। तो ये हमारे ब्लड के अंदर है, पब्लिक की सेवा करना हमारे ब्लड के अंदर, मेरे लड़के के अंदर भी वही है, मेरे भाई के अंदर भी वैसे ही है कि उनको भी कुछ करना है पब्लिक के लिए। तो क्या 9 दिन जो है आप माँ के साथ ही रहेंगे, माँ के आशीर्वाद? माँ का आशीर्वाद 9 महीने नहीं, पूरे साल नहीं, मतलब लाइफ टाइम हमारे खानदान के साथ माता जी का आशीर्वाद है। तो लोगों को क्या शुभकामना देना चाहिए? सबको एक ही बोलूँगा कि मिलजुल के रहे, देश की उन्नति के लिए आगे बढ़े, गरीबों को मदद करे, और जहाँ तक देखने जा रहा है जातिवाद से दूर रहे, क्योंकि आज हिंदुत्व के बंटवारे जो हो रहे हैं वो नहीं होने चाहिए। हर एक को मिलजुल के रहना चाहिए, प्यार से रहो, सबको नवरात्रि की शुभकामनाएं। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा है, इलेक्शन पास आ रहा है तो माँ से क्या मन्नत? माँ से वही बोलता हूँ कि सबका अच्छा काम हो, किसी का कोई नुकसान ना हो, सबकी भलाई हो, सबकी हेल्थ अच्छी हो, और मेरे परिवार को हमेशा उनका आशीर्वाद रहे।